बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आपने अकाउंट कैसे बनाना है, इसके ऊपर अर्न टू एक्स जो मैंने आपको लिंक सेंड किया है, आपने इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सामने जो पेज है वो इस तरह से ओपन होगा। अभी हमारा जो नेट है वो बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, एक्चुअली वेबसाइट जो लोड बढ़ा है इसके लिए, तो इसलिए ये थोड़ा सा स्लो है, तो आपने थोड़ा सा वेट करना है। तो इस तरीके से ये पेज ओपन हो जाएगा आपके पास। अभी भी ओपन नहीं हो रहा, हम वेट कर लेते हैं। इस एप्लीकेशन पे आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपना पैकेज अपग्रेड करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। उस इन्वेस्टमेंट के लिए से फिर आपको जो है ना वो अर्निंग हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपके लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप जो है ना वो अपने दोस्तों को ये एप्लीकेशन उनके साथ शेयर करें, लिंक सेंड करें उनको, और आप अपने रेफरल बनाएं। एक रेफरल पे आपको $1 मिल सकता है, और आप जब आपके पास $10 हो जाएंगे तो आप उसका विड्रॉ ले सकते हैं। तो अब हमारे पास पेज ओपन हो गया है, तो आपने यहाँ पे जो है ना वो अपना सारा डाटा लिखना है, ठीक है। तो आपसे इतना से पहले ही अपना नाम लिखना है, आपने अपना फर्स्ट नेम आपने लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिलाल, और लास्ट पे आपका जो नाम होगा वो आपने लिख लेना है। यूज़र नेम आपने जो है ना वो कोई भी सिलेक्ट कर लेना है, यूज़र नेम आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये लिख रहा हूँ। उसके बाद ई मेल एड्रेस आपने आपके पास जो होगा वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। ईमेल एड्रेस पुट करने के बाद आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा जा चुका है, आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। पहले आपने सेलेक्ट कर लेना कि आप पाकिस्तान कंट्री में हैं, तो यहाँ से आपने पाकिस्तान कंट्री को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपने पासवर्ड लगाना, अपना पासवर्ड आपने लगाना है, और फिर उसके बाद पासवर्ड को आपने कन्फर्म करना है। पासवर्ड आपके पास एक होना चाहिए, एक लेटर आपने बड़ा लिखना है और बाकी सामान लिखना है। उसके बाद डिजिट आपके पास होना चाहिए, 1, 2, 3 होता है। इस तरीके से आपने अपना पासवर्ड को रख लेना है। उसके बाद आपने आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। जब साइन अप के ऊपर आपने क्लिक कर दिया, तो आपके पास जो है वो ये पासवर्ड मिस्टेकली गलत हो गया, तो आपने इसको दोनों पासवर्ड को सेम लिखना है आपने, ठीक है। अगर आप सेम नहीं लिखेंगे तो फिर पासवर्ड नहीं लगेगा, आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। तो आपने अपना जो पासवर्ड है वो देख लेना है, उसको करेक्ट लिखना है आपने, दोनों पासवर्ड सेम लिखना है आपने। एक्चुअली यहाँ पे नंबर चेंज हो गया था पाकिस्तान, तो यहाँ से आपने पाकिस्तान को सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से पाकिस्तान को सेलेक्ट करता हूँ, और बाकी नंबर लिखा जा चुका है। अब आपने यहाँ पे साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। जब आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई करने के लिए आपको मेल आएगी। आपने अपने ईमेल एड्रेस को चेक करना है, आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर जो भी आपको कोड आएगा वो आपने लगा देना है, ठीक है। सर, मैं कोड लगाता हूँ ईमेल एड्रेस के ऊपर। जो कोड आया मुझे, वो कोड क्या है, वो 600 का कोड होगा, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। तो मैं अपने ईमेल को ओपन कर रहा हूँ, तो आपने कोड ढूंढ के ईमेल से आपने यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। तो मुझे अभी तक कोड नहीं आया, तो अभी आ जाता है थोड़ी देर के बाद। आपने यहाँ पे कोड लगाना है, जी अभी तक कोड नहीं वसूल हो रहा, तो आपने यहाँ पे जो है ना वो कोड अपना जो है ना वो लगा देना है। तो दोस्तों, हमारे पास हमें ईमेल से कोड वसूल हो गया है। आपने कोड को यहाँ से कॉपी कर लेना है, या वैसे ही याद रख के आपने यहाँ पुट कर देना है। तो मुझे कोड आया है 5075, तो आपने यहाँ पे आपको जो कोड मिलेगा वो आपने लगा देना है, ठीक है। तो मैंने ये कोड लगा दिया, और सबमिट करना है आपने। सबमिट करने के बाद आपका कोड जो है ना वो वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद जो है ना वो आपका अकाउंट जो है ना वो एक्टिव हो जाएगा। तो अभी जो है ना वो प्रोसेसिंग हो रही है, वेबसाइट इसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा, इसलिए ये स्लो चल रही है। तो आपने जो है ना वो पेज को बैक नहीं करना, आपने ऐसे ही लोडिंग जो होती है वो उसको ऐसे ही रहने देना है। लोडिंग हो जाएगी कंप्लीट तो पेज ओपन हो जाएगा। तो हमारे पास ये लोडिंग हो रही है, अभी हमारे पास जो है ना हमारा पेज ओपन होने वाला है। तो जी, ये हमारे पास साइन अप कंप्लीट हो गया, हमारा अकाउंट बन चुका है।
तब देखिए हमारे मेन बैलेंस जो हमारे पास है वो $2 है, ठीक है। आपको अकाउंट बनाने पर $2 दे रहे हैं ये, और इसके ऊपर अगर आपके पास मिनिमम $10 हो जाते हैं तो आप विदड्रा लगा सकते हैं, ठीक है। तो विदड्रा कैसे लगाना आपने, अगर आप इन्वेस्टमेंट यहाँ भी करना चाहते हैं तो कर लें, वरना आप जितने ज़्यादा रेफरल बनाएं उतना ही ज़्यादा बेहतर है। एक रेफरल पे आपको जो है ना वो $1 मिलेगा, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 10 रेफरल आपके बन गए तो $10 आपको मिल जाएंगे और आप उसका विदड्रा लगा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपने पैकेज कैसे करना है इसके ऊपर।